हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल साइबर हब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी बाउंसिंग के बारे में। अदरवाइज़ आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा कि किस तरीके से कोई भी हैकर या अटैकर टाइम टू टाइम अपने जो प्रॉक्सी है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं। जैसे ही उनको ट्रैक एंड ट्रेस करने की कोशिश की जाती है तो उनकी प्रॉक्सी हर टाइम पे कुछ अलग आती है। तो वो किस तरीके से सारा कुछ कर पाते हैं और किस तरीके से वो इस तरीके के जरिए ही अनोनमस रह पाते हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ ये सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। अदरवाइज सारे स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड हैं और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसके लिए जो टूल हम यूज़ लेने वाले हैं उसका नाम है प्रॉक्सी स्विचर, जो आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर हमारा ये टूल आपको मिल जाएगा, जो प्रॉक्सी स्विचर है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये सारा कुछ वर्क कैसे करता है और इस टूल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें करना है ये टूल रन। तो रन करने के बाद में आपको ये टूल अगर वैसे शो ऑफ ना हो तो आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पर ये टूल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये टूल ओपन होता है तो देखिए ये 15 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल वर्जन आपको मिलता है, तो आप 15 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल वर्जन इसका यूज़ ले सकते हैं। तो जैसे ही इसको रन कराते हैं तो आपको सबसे पहले इसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है, जस्ट नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किस टाइप के प्रॉक्सी जो है वो सर्च करने, लाइक 100 प्रॉक्सी करने या फिर न्यू फ्रेश प्रॉक्सी करने, वो आप अपने हिसाब से सेट करके जैसे ही नेक्स्ट करते हैं देन ये ऑटोमेटिकली आपको प्रॉक्सी सर्च करके दे देगा। मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक प्रॉक्सी सर्च करेगा, और इसमें अच्छी बात ये है कि कोई लिमिट नहीं है, कोई वेबसाइट से आपको प्रॉक्सी नहीं लेनी है। ऑटोमेटिक आपको लाइव जो प्रॉक्सीज हैं या डेड प्रॉक्सीज हैं, जो SSL प्रॉक्सीज हैं, सारी की सारी प्रॉक्सीज आपको यहाँ पे शो ऑफ कर देता है। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी प्रॉक्सी है ये यहाँ पर इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको अलग अलग वेबसाइटों से प्रॉक्सी नहीं लेनी। सेकंड, प्रॉक्सी बाउंसिंग मतलब अपने लोकेशन को हर कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अनोनमस रहना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत सारी प्रॉक्सी होगी, तो कैंसिल कर देते हैं इसको। देन देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉक्सीज मिल चुकी हैं, और अच्छी बात यह है कि आप यहीं पर इस प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सी आपको सही लगती है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉक्सी बढ़िया लग रही है उसको आप टेस्ट करके यहीं से चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉक्सी लाइव है या नहीं। इसके अलावा अगर आप साइड में देखें तो यहाँ पर भी देखिए आपको अलाइव और डेड और सभी तरह की प्रॉक्सीज आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप परचेज़ करते हैं इसका वर्जन तो अनोनमिटी, हाई अनोनमिटी जो प्रॉक्सीज है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलाइव प्रॉक्सीज जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, डेड प्रॉक्सी चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, अनोनमस प्रॉक्सी जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इनकी कंडीशन दिखा रखे, स्टेटस दिखा रखा है कि ये लाइव है या नहीं है। इसके अलावा आप इनके ऊपर क्लिक करके इनको कनेक्ट करने का जो मेथड है वो डायरेक्ट सा है कि आप डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके आप कनेक्ट टू सर्वर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर टेस्ट करना चाहें टेस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉक्सी को, जो भी प्रॉक्सी आपको टेस्ट करने है उस पर जस्ट राइट क्लिक करके आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, देखिए ये प्रॉक्सीज हम अगर डबल क्लिक करते हैं तो अगर ये प्रॉक्सी लाइव होगी या सही कंडीशन में होगी तो ये जो हमारी प्रॉक्सी वो सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप अलग अलग प्रॉक्सी चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये फ्री ट्रायल वर्जन है इसलिए इसमें सारी फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलेगी, बट काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। अगर आप यूज़ ले रहे हैं हाई लेवल की हैकिंग की बात करें और फुली अनोनमिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ये जो सॉफ्टवेयर है। ये आपको परचेज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ अगर आप इस तरह की हैकिंग को अंजाम देते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो उस कंडीशन में ऐसे टूल्स का यूज़ ज़रूर लें। और एक चीज़ बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्प्लीटली अनोनमस हो जाएंगे, फिर भी आप पकड़े जा सकते हैं, तो क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए कोई भी हैकर या अटैकर पकड़ा जा सकता है। तो ये तो हमारी बेसिक क्लासेज हैं, आगे की क्लासेज में हम उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा देखिए SSL प्रॉक्सीज है, तो जो भी प्रॉक्सी कनेक्ट करने हैं उसको डबल क्लिक कर दीजिए, SSL प्रॉक्सीज मिल जाते हैं आपको। लाइव और डेड कंडीशंस के जो प्रॉक्सीज हैं वो यहाँ पर मतलब ऑल इन वन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको जिस टाइप की प्रॉक्सी यूज लेनी है वो आप प्रॉक्सी इजीली यूज ले सकते हैं। जैसे हमने डबल क्लिक किया तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉक्सी थी वो यहाँ पर लग चुकी है, जो कैप्चा आता है वो यहाँ पर आ चुका है। कैप्चा जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो प्रॉक्सी यहाँ पर शो कर रहा है तो ये वही प्रॉक्सी है जो हमने यहाँ पर सेट की है। तो लाइक हमारी जो प्रॉक्सी है वो लग चुकी है, अब हमें सिर्फ इसको यूज़ लेना। इसके अलावा देखो अच्छी बात ये है कि आप चाहते हैं कि
मान लीजिए कि हमें एक प्रॉक्सी एक टाइम पे चेंज करनी है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर प्रॉक्सी चेंज करनी हो, जैसे हमने अभी एक प्रॉक्सी चूज़ की, कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके बाद में हमने दूसरी प्रॉक्सी चेंज की, तो मतलब टाइम टू टाइम अपनी प्रॉक्सी बाउंस हो रही है, तो जो सामने वाला जो भी पर्सन होगा, जो भी ट्रैक एंड ट्रैक ट्रेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको टाइम टू टाइम अलग अलग प्रॉक्सी मिलेंगे, जिससे कि एक तरीके से अनडिटेक्टेबल हो जाएगा पर्सन, और बहुत ही ईजिली वो अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। और एक अनोनमस रहना एक हैकर के लिए या एक अटैकर के लिए सबसे बड़ा काम होता है। अदरवाइज़ हैकिंग करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है कि खुद को सेफ़ कैसे रखें, किस तरीके से अनोनमस बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए ऑटो आप कनेक्ट का ऑप्शन अगर इसमें चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये टाइम टू टाइम प्रॉक्सी जो है वो ऑटोमेटिक चेंज करता रहे, तो इसके लिए आपको इसका जो पेड वर्जन है वो परचेज़ करना होगा। अदरवाइज़ आप पेड करेंगे तो उसके बाद में ये सर्विस आपको मिल जाती है कि आप ऑटोमेटिक टाइम सेट करके उस टाइम के हिसाब से जो प्रॉक्सी है वो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉक्सीज़ का अगर मैं मानूँ तो मेरे हिसाब से जितना मैंने यूज़ किया उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये टूल है, जिसका यूज़ आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नॉर्मली आपको ये टूल ब्लॉगर के ऊपर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो भी ईजिली मिल जाएगा। अब अगर ब्लॉगर से डाउनलोड करते हैं तो आपको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बहुत ही ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको टेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ऑल ओवर कंट्री के जो IPs हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं, बट एक कंडीशन और है, वो चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लगभग, जो IP लिस्ट मैंने आप लोगों को बता रखी है, जो पीछे के वीडियोस में मैंने बताया था, उन IPs पे कभी भी वर्क ना करें। अदरवाइज़ वो जितने भी IPs होते हैं वो गवर्नमेंट वर्क के लिए होते हैं, अगर आप ऐसी किसी IP का यूज़ लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को ज़रूर देख लें। अदरवाइज़ जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, प्रोक्सीज के बारे में, प्रोक्सी किस तरीके से सेटअप करते हैं, ब्राउज़र वगैरह के बारे में, तो पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रियली में प्रॉक्सी होता क्या है, किस तरीके से प्रॉक्सी का यूज़ होता है। अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें आपको पीछे की क्लास में देखने को मिल जाएंगे, तो पीछे के जो ब्लॉग्स हैं, जो क्लासेज हैं, वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए एथिकल हैकिंग में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी वीडियो को देख करके हैकिंग सीखते हैं, डायरेक्ट हैकिंग को अंजाम देते हैं, तो वो स्क्रिप्ट किडिंग वाला काम हो गया, वो हैकर नहीं होते हैं, वो स्क्रिप्ट किडर होते हैं, जो मतलब डायरेक्ट किसी अटैक को अंजाम देते हैं विदाउट किसी नॉलेज के। तो ये कुछ IPs हैं, इनके ऊपर कभी भी कोई भी वर्क आप लोगों को नहीं करना है, देन ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो आई होप सो कि वीडियोज़ आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो लगातार आप लोगों को मिलते रहे तो हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा जो पीछे के वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ है, कम्प्लीटली हमने बनाई हुई है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, कि आपको हर कॉन्सेप्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप अगर एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग से सीरीज है वो देखें, एक प्रोफेशनल हैकर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए टेक्निकल साइबर हब यूट्यूब चैनल।